नमस्कार, मेरा नाम है प्रदीप शर्मा। आपको बता रहे हैं कि IIT BHU में बुधवार की आधी रात बाद बुलेट सवार 3 युवकों ने बंदूक दिखाकर एक छात्रा के कपड़े उतरवाए। उन्होंने छात्रा को किस किया और उसका वीडियो भी बना लिया। इसके बाद युवक हैदराबाद गेट के रास्ते बाहर निकल गए। घटना की जानकारी होने के बाद से IIT के छात्र छात्राओं में नाराजगी है। गुरुवार सुबह सड़क पर उतरकर छात्रों ने घटना के विरोध में नारेबाजी कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर दी है। बता रहे हैं, पहले हॉस्टल के पास सड़क जाम किया, फिर निदेशक कार्यालय का घेराव किया और शाम को जिमखाना खेल मैदान में पहुंचकर विरोध शुरू कर दिया था। उनकी मांग है कि IIT BHU प्रशासन कैंपस में रात में बैरिकेडिंग लगवाएगा, साथ ही कई जगहों पर कैमरे नहीं लगाए गए हैं जहां कैमरे तुरंत लगवाए जाएं, जिसके चलते इस तरह की घटना पर अंकुश लग सके। चेतावनी दी गई है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक वो उठने वाले नहीं हैं। IIT BHU में बता रहे हैं कि इंजीनियरिंग विभाग में BTEC की छात्रा न्यू गर्ल्स हॉस्टल में बुधवार आधी रात करीब 1:30 बजे बाहर घूमने के लिए निकली थी। वह बता रहे हैं कि परिसर में गांधी स्मृति छात्रावास चौराहे पर पहुंची तो वह उसका दोस्त मिल गया। दोनों बता रहे हैं कि वीर बाबा मंदिर के पास में ही पीछे से बुलेट सवार 3 युवक आए और छात्रा और उसके दोस्त को रोका। कुछ देर बाद दोस्त को वहां से भगा दिया। छात्रा ने जो पुलिस को तहरीर दी है उसमें लिखा है कि युवकों ने मुंह दबा दिया और एक कोने में लेकर चले गए। पहले किस किया, फिर कपड़े निकलवाकर वीडियो और फोटो भी बनवाया। चीखने चिल्लाने के बाद उन युवकों ने मारने की धमकी भी दी थी। यही नहीं, उन युवकों ने फ़ोन भी ले लिया और करीब 10 से 15 मिनट मुझे रखा और फिर छोड़ दिया। किसी तरह जान बचाकर भागी तो मुझे बाइक की आवाज़ सुनाई दी थी। IIT BHU में जिस छात्रा के साथ घटना घटी है वो इतनी डर गई है कि रात को घटनास्थल के पास ही प्रोफेसर के घर में घुस गई। छात्रा के अनुसार प्रोफेसर के घर में करीब 20 मिनट तक रुकी रही। यहाँ प्रोफेसर से संपर्क किया तो उन्होंने अपने घर के अंदर गेट तक छोड़ा। यहाँ से पार्लियामेंट सिक्योरिटी कमेटी ने राहुल राठौड़ मिले और IIT BHU पेट्रोलिंग गार्ड के पास लेकर गए। छात्रा ने घटना को अंजाम देने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। IIT BHU में छात्रा के साथ घटी घटना के बाद छात्रों के विरोध और सुरक्षा बढ़ाने की मांग के बाद IIT प्रशासन ने व्यवस्था में बड़ा बदलाव कर दिया है। रजिस्ट्रार ने बृहस्पतिवार को एक आदेश जारी कर संस्थान परिसर में लगे सभी बैरियर को रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए बंद रखने का निर्णय लिया है। ये भी कहा गया है कि गाड़ियों पर IIT BHU के स्टिकर लगा होना और परिचय पत्र के जरिए ही बैरिकेड खोलेंगे और अंदर आने की अनुमति मिलेगी। कुल मिलाकर जो है कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। एक तरफ उत्तर प्रदेश पुलिस का ऑपरेशन क्लीन चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ किसी छात्रा के साथ इस तरीके की अगर हरकत हो रही है तो इससे लड़कियाँ अभी सेफ नहीं है ये कहा जा सकता है। क्योंकि एक कॉलेज संस्थान के अंदर अगर इस तरीके की वारदातें हो रही हैं, 3 लड़के आते हैं, तमंचा दिखाते हैं, कपड़े उतरवाते हैं, गलत हरकत करते हैं और फरार हो जाते हैं, बड़े सवाल खड़ा होने लाजमी है।